ये है TVS Radeon। ये जो कलर आप देख रहे हैं ड्यूबल टोन कलर है, ब्लू और ब्लैक। दोस्तों आज मैं आया हूँ विवान ऑटोमोबाइल 0 माइल बैरिया रोड मुजफ्फरपुर स्थित शोरूम में। शोरूम की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इसका एक छोटा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ कि ये बाइक कैसी दिखती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रंट लुक का। तो देख सकते हैं फ्रंट से ये बाइक कुछ इस तरह की दिखती है। वाइजर पे आपको TVS की 3D लोगो मिल जाएगी। तो दोस्तों बात करेंगे इसके हेडलाइट की, तो इसमें आपको रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन हेडलैम्प मिल जाता है। इसमें DRL भी दिया गया है। हेडलाइट के आप देख सकते हैं चारों तरफ कुछ क्रोम वर्क फिनिश दिया गया है। इसके टर्न इंडिकेटर में बल्ब प्रोवाइड की गई है। इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक वाइल्ड डैम्पेड शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिल जाता है। इसके फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाता है। ये बाइक सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट अब आते हैं इसके मीटर कंसोल पे। तो देख सकते हैं इसका मीटर कंसोल कुछ इस तरह का इसका मीटर कंसोल दिया गया है। इसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, इंजन मेल फंक्शन लाइट, साइड स्टैंड कट ऑफ लाइट, न्यूट्रल, टर्न इंडिकेटर लाइट, इको मोड, पावर मोड लाइट, ये सब कंपनी ने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में TVS की लोगो दी गई है। तो दोस्तों नेक्स्ट अब आते हैं इसके राइट हैंडल पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हेडलाइट ऑन ऑफ का, सेल्फ स्टार्ट का स्विच दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं इसके लेफ्ट हैंडल पे। यहाँ देख सकते हैं लो बीम, हाई बीम, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, पास की स्विच दी गई है। इसकी साइड मिरर आपको क्रोम फिनिश में मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट अब बात करेंगे इसके फ्यूल टैंक की। तो देख सकते हैं इसका फ्यूल टैंक कुछ इस तरह का दिया गया है, जो कि 10 लीटर कैपेसिटी के साथ आती है। यहाँ पे TVS का 3D लोगो दिया गया है। इसका टैंक ड्यूबल टोन फिनिश में आता है। इसकी सीट की कुशनिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी दी गई है, काफ़ी अट्रैक्टिव कर दे रही है इसके लुक को। इसमें लेडी पिलियन हैंडल विथ हुक प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Radeon जो कि 3D में लिखा मिल जा रहा है, और जस्ट उसके ऊपर ETFI की स्टिकर वर्क मिल जाती है। दोस्तों अब बात करेंगे इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की। ये बाइक 109.7 cc की आती है। इसके इंजन टाइप की बात करें तो 4-स्ट्रोक ड्यूरा लाइफ एयर कूल्ड इंजन इसमें प्रोवाइड किया है कंपनी ने। इसकी मैक्सिमम पावर की बात करें तो 8.19 PS की पावर जनरेट करती है 7050 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 8.7 Nm की टॉर्क जनरेट करती है 4500 RPM पे। ये बाइक 4-स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके एग्जॉस्ट पे क्रोम की काफ़ी अच्छी कवरिंग दी गई है। इसके रियर सस्पेंशन की बात करें तो 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया गया है। तो चलिए गाइज चलते हैं अब इसके लेफ्ट साइड में और देखते हैं इसका लेफ्ट साइड। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे Radeon की 3D में लोगो दी गई है। इसके इंजन पे TVS की ब्रांडिंग दी गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी चैन कवर फाइबर की दी गई है, जो कि फुल कवरिंग के साथ दी गई है। यहाँ पे साड़ी गार्ड दिया गया है। यहाँ इसकी बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पे ड्यूरा लाइफ का छोटा सा स्टिकर दिया गया है। आते हैं इसके बैक साइड पे। तो बैक साइड का लुक कुछ इस तरह का दिया गया है। इसके टेल लाइट की बात करें तो वो बल्ब में प्रोवाइड किया गया है, और टर्न इंडिकेटर भी बल्ब में प्रोवाइड किया गया है। पीछे साइड से यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्लेट का जगह दिया गया है। इस बाइक में किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों बात करेंगे इसके डाइमेंशंस की। तो विड्थ 705 mm, लेंथ 2025 mm, हाइट 1080 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का दिया गया है। व्हील बेस की बात करें तो 1265 mm, कर्व वेट की बात करें तो 118 kg की दी गई है।
तो दोस्तों लास्ट में बात करेंगे इसके ऑन रोड प्राइस की, तो ये बाइक आपको 90,000 के आसपास में मिल जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ मुजफ्फरपुर के हिसाब से। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू सो मच।